ठीक है बच्चा, चलो कर दिए सभी भाई, देर ना करो, ऐसे मजा नहीं आती। हाँ जल्दी करो, ऐसे सही नहीं है जान। लो देखो, थोड़ा मुझे लग रहा है जूम भी कर रहा है, क्योंकि मैं हट जाता हूँ ना तो मुझे खोजने लगता है कहाँ गया कैमरा हमारा जो है। बीज गणितीय, ऐसे उल्टा लिख रहा है का। देखो समझो, यहाँ पे आप सभी जल्दी से पहले शेयर करके आओ, नहीं तो ऐसे फिर मजा नहीं आ रही है जान। लो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जल्दी शेयर करके आओ तुरंत। बीज गणितीय व्यंजक। अब भाई हिंदी ये गलत हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश सही रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चा, तो ये जो तीन मेहमान हैं इनका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम बहुपद सीख पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। और जो इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं ना बच्चा, शेयर कर दो, नहीं तो जान लो, अब सीधे सीधे बोल रहा था अभी तक, फटाफट हटा देंगे जो नहीं कर रहा। जान लो जल्दी शेयर करके आओ तुरंत, ऐसे मजा नहीं आ रही। चलो देखो, मैं शुरू करूं, टाइम वेस्ट ना हो, हमारी ये भरपूर कोशिश होती है, क्लास पहले से शेड्यूल रहती है। तुम लोग पहले से आके शेयर वेयर क्यों नहीं कर देते हो भाई? तेज नारायण सिंह, बेटा तेज नारायण सिंह कमेंट आ रहा आपका। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए कमेंट नहीं आता है। ठीक है बच्चा, ठीक है बाबू, हाँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आपका भी कमेंट आएगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, 100 हो गए। चलो तो चर पद क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर हम बहुपद की बात करें, जो चैप्टर है उसको पढ़ने के पहले ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये आएगा तो कॉन्सेप्ट इसे मानेंगे कि हाँ पूरा क्लियर है। चर पद या वेरिएबल्स मीन्स वो होता है, यहाँ से समझो, जैसे ए बी सी डी, मतलब डॉट 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 जेड तक। कुछ समझ में आया आपको? यानी ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर आपको कहीं भी मिलेंगे वो चर पद होते हैं, जिन्हें वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। कुछ समझ में आया? जैसे अगर मैं तुमसे पूछा कि पी क्या है, ये चर पद है कि नहीं? है। अगर मैं पूछा आर क्या है, वेरिएबल है? हाँ है। जेड क्या है, वेरिएबल है? है। ए क्या है, वेरिएबल है। चाहे इसको कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, मतलब इसका वही हुआ सबका। हाँ समझ रहे हो ना? तो आप कुछ समझ पाए? संतोष जी कुछ समझ में आया भाई? हाँ गंगा पाटिल आया समझ में? अब आपसे एक सवाल यहाँ से पूछा जाए कि चरों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो सकते हैं? तो भैया हो ए बी सी डी में कितने अक्षर? तो कुछ ऐसे नालायक हैं जो कहेंगे 4 अक्षर ए बी सी डी। अरे इडियट, ए बी सी डी का मतलब केवल डी तक नहीं, ए टू जेड गिनना है। 26 लेटर अक्षर ना, कितने? 26 ना। रिया पटेल बहुत पीछे हो गई हूँ, बहुत अच्छी बात है, तुम अभी और पीछे हो जाओगी। हाँ जब क्लास नहीं देखोगी हर दिन तो काम तुमको खींच के पकड़ के लाएंगे का आगे, पढ़ाया तो जा रहा हर दिन। तो ये चीज़ आप समझ गए, ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर जितने भी हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। इसके बारे में आपका तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। समझो, ए से जेड तक के सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। बच्चा दूसरा आता है कांस्टेंट, यानी कि अचर पद क्या होते हैं? जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं बेटा, जैसे तुम कुछ भी गिनती की संख्या मान लो, कहीं भी कुछ भी अनंत तक, जैसे 1 से लेकर के, लेकिन 0 से नहीं, यहाँ पे 0 अगर आएगा कहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी आप कह सकते हो कि वो संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं बच्चा?
अचर पद या कांस्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती हैं, अचर पद कहलाती हैं। समीक्षा कुमारी आ रहा समझ में? पूजा आ रहा समझ में? हर्ष कुमार, चिराग, चिंटू, मनोज, कुछ बच्चों की शिकायत है कि मेरा नाम नहीं बोलते हैं। भाई इडियट, तुम पहले कमेंट करो तब बोले ना, तुम्हारे मुंह में तो दही जमी है, हाथ में पता नहीं गोबर लिए हो क्या लिए हो मालूम नहीं, कमेंट नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो काम मालूम चले। और नाम बोलने से वैसे कुछ मिलना है नहीं बेटा, अच्छा काम करोगे नाम होगा, अगर तुम नाम के पीछे पड़ोगे तो नाम नहीं होगा, यही तो एक मुसीबत है। इंसान जो चाहता है ना, उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, कर्म नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो बच्चा ये है दाल, ये है चावल, दाल चावल एक में मिला के पकाओ तो क्या बनता है? खिचड़ी बनता है ना, दाल चावल दोनों एक में मिला के पकाओ तो क्या बनता है? खिचड़ी। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? खिचड़ी नहीं बनेगा यहाँ, यहाँ बीजगणितीय व्यंजक बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा यहाँ पे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो चलो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग बताओ, एक बार कोई कोशिश करके बताओ, मैं देखता हूँ। बताओ कोई भी, एनीवन, बना लोगे क्या कोई? हाँ ट्राई करके देखो, अगर मेरी आवाज़ कम आएगी तो बता देना, टेंशन मत लेना आप एक भी पैसे का। तो बेटा बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? जब कोई एक चर और एक अचर मिला के बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक चर ले लिया एक्स और एक अचर ले लिया मान लो तीन, इनका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? तीन एक्स। तो तीन एक्स क्या है? एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब खिचड़ी नहीं कहोगे इसको गणित की भाषा में, खिचड़ी बन गई नहीं, ये एक चर पद है, ये अचर पद है, ये क्या बन गया? एक बीजगणितीय व्यंजक बन गया। अब इसमें एक वर्ड और तुम्हें मिलेगा आगे, वो क्या है? गुणांक। गुणांक मीन्स कोफिशियंट, ठीक है? तो बट्टा गुणांक का होता बच्चा, गुणांक क्या होता है? जैसे तीन यक्स है ना, तो ये जो यक्स है ना, इसके साथ में जो गिनती लगी है, लटकी हुई है, वो क्या है? इसका गुणांक है। यानी हम बोले यक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है? तो बेटा एक्स का गुणांक तीन है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाई स्क्वायर, इसमें देखो यहाँ पे 17y², इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है बताओ? 17 है। यानी जो वेरिएबल्स के साथ में नंबर लगा है वो क्या है? उसका गुणांक है, कोफिशियंट है। समझ में आया लल्लू? सभी समझ पाए ना तो छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट जल्दी से, बिल्कुल देर ना करो, बहुत जल्दी लिखो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी करो फटाफट, चलो चलें आगे। चलिए इतना लिखिए पहले, लिख लो भाई लिख लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से आप लोग कुछ समझ पाए कि नहीं बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, बस मुझे बता देना कि हाँ नहीं समझ में आया, ठीक है? लेकिन जो टाइम से आए हैं, जो चचा लोग अभी अभी आए हैं ना, उनके लिए नहीं, उनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो टाइम से जुड़ते नहीं हैं तो हम कुछ नहीं जानते उनके लिए। सबको समझ में आया? चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेरिएबल, कंस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तीनों चारों, इन सब की पहचान कर लिया, आप सभी गुणांक भी पढ़ लिए ना बच्चा। तो अब इनमें थोड़ा सा हमारी ये कोशिश है कि आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए इसके आधार पर, नहीं तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा कम मज़ा आएगा, इसलिए मैं आज एक्सरसाइज नहीं शुरू करूँगा, एक्सरसाइज मैं एक दिन बाद शुरू करूँगा। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ तो हमारे जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चे हैं, ये एक्सरसाइज खुद से कर लें, मतलब मुझे बताना ही ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनको ठोंक ठोंक के तैयार करना पड़ेगा, जिससे कल ये अपने आप सब कर ले जाएं। चलो भाई, सविता कुमारी कमेंट आ रहा तुम्हारा, ठीक है, चलो अच्छा है। संकेत, सुनील कुमार गुप्ता, राम राम भाई, राम राम। चलो तो बच्चा अब हम देखेंगे चर पदों का जोड़ना घटाना गुणा भाग। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझना है और सीखना है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 3x और इसमें मैंने लिख दिया 7x,
तो क्या जानते हो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको हम तैयार कर रहे हैं क्लास के लिए। बोलो जुड़ जाएगा ना, कि नहीं जुड़ेगा? देखो इसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे तुम्हें और भी सीखना होगा। वो क्या सीखना है? सजातीय पद, सजातीय पद यानी लाइक टर्म्स, और एक होगा विजातीय पद, विजातीय पद। आज के इस ज़माने के हिसाब से समझें तो सजातीय पद का मतलब होता है जो अपनी जाति का लोग हो, हाँ, जैसे कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई अहीर है, कोई कुर्मी है, समझ रहे हो? तो वो अपने अपने बिरादरी की बात होगी यहाँ पे, समझ पा रहे हो कि नहीं? सजातीय का मतलब यही हुआ व्यवहारिक रूप में अगर तुम्हें समझाएं तब, लेकिन अभी यहाँ पे तो ये सब बताओगे नहीं, नहीं गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे समझो, सजातीय पद को इंग्लिश में बच्चा लाइक टर्म्स बोलते हैं, या लाइक ई लाइक। इधर दिखेगा क्या? हाँ यहाँ दिखेगा, लाइक टर्म्स, टर्म्स, ठीक है। इंग्लिश में तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ फिलहाल, लिख लेना लाइक टर्म्स। तो ये क्या होता है, लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है बच्चा, जैसे वह पद जो चर और घात दोनों को मतलब एक प्रकार से इक्वल करके चले, मतलब अगर हम सीधा सीधा अगर एक शब्द में बोलें इस कहानी को बिना घुमाए हुए, तो जिन दो पदों के चर और उनकी घातें समान होती हैं वो सजातीय पद कहलाते हैं, ठीक है। जिन दो पदों की घातें और चर समान होते हैं वो सजातीय पद कहलाते हैं। तो सबसे पहले इनका जोड़ना घटाना तो तुम छोड़ दो, पहले सजातीय पद सीख लो, तब जोड़ना घटाना सीखोगे, ठीक है बच्चा। तो देखो इनको हटा दो पहले, अभी इनको हटाओ भाई, चल बे हट तू हट, ये लो चलो। अब सबसे पहले हम सजातीय पद की बात करते हैं। एक मिनट आप लोग ये बताओ मुझे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सजातीय पद आता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो भाई कितने लोग हैं ऐसे जिनको सजातीय पद आता है? लाइट मुझे लग रहा बहुत धीमा है काज, हाँ मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं? देखो मैंने होल्ड किया एक एक मिनट के लिए, हमें लग रहा है सब कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुख दर्द के साथ कमेंट कर रहे हैं, तभी ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहा है ना, कब भाई यही ना। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, ये सब बहुत गरिया रहे हैं मनी मन, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते हो तब वो तो नहीं ठीक है। देखो एक बात और बता दें, जो बच्चे सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं ना वो पूरा क्लास देखेंगे, जो बच्चे कुछ जुगाड़ लगाने आए हैं चैटिंग वेटिंग करने वो अपना करके निकल लें, हाँ क्योंकि उनको कुछ करना है नहीं लाइफ में, तो समझो। हाँ तो बच्चे हम बात कर रहे थे सजातीय पद क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ खिचड़ी मॉडल लिख रहे हैं, इनमें से तुम ढूंढोगे, हाँ जैसे तुमको मैंने बताया ना एग्जाम्पल, सभी लोग जानते हो खिचड़ी, तुम्हें दे दिया जाए बना के, बोला जाए इसमें बेटा दाल दाल निकालो, हाँ तो तुम दाल दाल बीन के निकाल लोगे ना, अलग कर लोगे ना, बस वैसे ही तुम्हें करना है। देखो यहाँ से समझो, जैसे मैंने लिख दिया 3x, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5y का स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लिखा है x का स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा 7xy स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x का स्क्वायर, और बच्चा एक ठी और है दद्दा, कौन सा है वो, 15y का स्क्वायर, और यहाँ पर है x, और यक्स के बाद है एक यक्स का स्क्वायर वाई। ये बताओ इसमें कुछ सजातीय पद हैं कि नहीं, हाँ मैंने यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 8 पद लिखे हैं, 8 पद में से क्या कुछ सजातीय पद हैं? बोलो इसमें क्या कुछ सजातीय पद हैं जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, हाँ सजातीय पद हैं बोलो। देखो मैं इसमें ढूंढता हूँ सजातीय पद यानी लाइक टर्म्स। तो बच्चा सबसे पहले सजातीय पद के लिए हम देखते हैं उनकी घात बराबर होनी, सॉरी पहले उनके चर बराबर होने चाहिए, मतलब जो चर उसमें है वही उसमें भी होना चाहिए, अगर उसमें यक्ष है तो उसमें भी यक्ष होना चाहिए। मैंने बताया था ना अभी अभी कि वो एक ही जाति के होने चाहिए, जाति मतलब समझ रहे हो ना तुम, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। चलो तो बच्चा इसमें अगर हम 3x को ले लें तो क्या इनके जैसे सकल सूरत का और कौनो है हमें, सोचो ढूंढो है कि नहीं? अमन सिंह बेटा नहीं पता है तो सीखो तब आएगा ना,
पढ़ोगे तब आएगा ना। क्लास याद रखना शाम को 7 से 8 डेली, शाम को 7 से 8 मैथ, और सुबह उठ जाना सो करके, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में साइंस होगा, तो टाइम तो नहीं भूलोगे ना। सुबह भी 7 से 8, शाम को भी 7 से 8, सुबह साइंस शाम को मैथ, इंग्लिश का क्लास जल्दी ही चलेगा। बस हम आपके लिए नया टाइम बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो। तो बच्चा 3x है, फिर 5y स्क्वायर है, फिर x है। देखो अभी मैं देख रहा हूँ इसमें क्या है, 3x में x है, ठीक है। इसकी घात की बात करें तो जिसके कुछ नहीं होता ना उसकी घात 1 माना जाता है, तो ये क्या है, 1 घात है। इसमें तो x है ही नहीं, छोड़ दो, इसमें x है लेकिन घात बराबर नहीं है। हमें इस गुणांक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात देखना है और चर देखना है। तो बच्चा चर तो इसमें भी x है लेकिन घात इसमें 1 होनी चाहिए, इसमें 2 है, इसलिए ये नहीं है। इनको पकड़ लो जो मिल गए हैं, इनको छोड़ना नहीं। चलो इसमें x है लेकिन इसमें साथ में एक और भी चिरकुट जुड़ा हुआ है y, तो ये सजातीय नहीं है, इसकी घात भी ज़्यादा है। इसमें भी है लेकिन इसकी भी घात ज़्यादा है, इसमें तो है नहीं x। ये देखो मिल गया ना, ये बच्चा मिल गया ना, मिल गया ना अकेले, तो इसकी घात क्या 1 है। अब तुम कहोगे इसमें तो गुरु जी 3 नहीं है, इनमें तो 3 है, तो इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा इसका जो साथी है वो x है, इन दोनों की जोड़ी बन गई अपनी, हाँ बस। अब इनके साथ और कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा। अब तुम कहोगे का दो लोग की जोड़ी ही बनाते हैं का, नहीं, इसमें पूरे में केवल 2 ही पद इस तरह के थे इसलिए मैंने 2 लिखा, बाकी और होते तो वो भी इसी में आते, ऐसा कोई रोक नहीं है कि केवल 2 ही रहेंगे। तो ये तो हो गए 2 एक जैसे सजातीय पद, ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे सजातीय पद, क्योंकि इनकी घातें बराबर हैं और इनका जो चर है वो बराबर है। बच्चा दूसरा पद अगर हम पकड़े, चलो भाई पकड़ो सभी, चलो ये लो, ये 5y का स्क्वायर, तो 5y का स्क्वायर मैंने लिया, तो ये बताओ क्या इसके जैसा कोई सजातीय पद है। भैया कोई है, विजय शंकर पांडे, सोनू यादव, चिराग, रूपेश, राजा बाबू, मनोज सिंह, बेटा मनोज सिंह पढ़ लो, काजल के पीछे ना पढ़ो तुम तो अच्छी बात है। हाँ इतना देर से मैं देख रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे काजल लगने की जो है ना, कहते हैं ना गुंजाइश, जुगाड़ सब खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम पढ़ाई लिखाई कर लो तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कर लो, अभी टाइम है। चलो और जितने भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं भैया, इस सेशन को लाइक नहीं करे बाबू, जल्दी से लाइक करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, जान लो हाँ। जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट इस सेशन को लाइक करें, तुरंत देर ना करें, बहुत जल्दी करें, हो गया। चलो आप सभी जल्दी से फट से लाइक करो, सेशन को आगे बढ़ते हैं। तो 15y स्क्वायर मुझे लग रहा है इसका है साथी इसमें एक ना, हाँ प्रदीप बिल्कुल ठीक है। देखो भाई लीजेंड गेमिंग ने बताया है, बहुत अच्छे हर्षित, देखो यहाँ पे समझो 5y का स्क्वायर ना, इसमें सबसे पहले y का स्क्वायर खोजो कहीं, इसमें तो है नहीं, ये तो हो गया, इसकी हो गई, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी भी हो गई है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो y है नहीं, इसमें y है लेकिन y का घात 1 है। अगर तुम देखो तो ये जो घात लगी थी इसमें 2x पे लगी थी, y की घात 1 थी, तो बच्चा हमें y की घात 2 होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। हाँ इसमें देखो y है नहीं, इसमें है, y का घात 2 है, 15 है, तो कोई मतलब नहीं है, हमें केवल घात बराबर चाहिए और चर बराबर चाहिए, इसमें और दोनों कोई नहीं है, तो ये दोनों क्या हैं, आपस में सजातीय हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ सजातीय भी जाती है, नहीं तो मैं ना बताऊँ इसको, सीधा सीधा कहो तो मैं चैप्टर पे चलूँ, ख़त्म कर दूँ, तुम्हें भी पढ़ना ना पड़े और मुझे भी पढ़ाना ना पड़े। हाँ आदित्य कुमार बेटा क्या लिख रहे हो तुम एक में, हाँ क्या लिख रहे हो एक में सब, अरे थोड़ा सांस लेने के लिए स्पेस छोड़ दिया करो। चलो देखें आगे बढ़े, तो ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो भैया ये इन सब की क्या हुआ, जोड़ी बन गई, जिनको जिनको मैंने घेरा उनकी उनकी जोड़ी बन गई, अब बेचारे ये सब अकेले बचे हैं। तो इसमें अगर तुम देखो तो एक और निकाल लो x का स्क्वायर के जैसे अगर कोई बात करें तो 3x का स्क्वायर है। तो बच्चा ये दोनों आपस में क्या हो गए, सजातीय हो गए। इनको कोई और स्टाइल में घेर लो, ये लो, चलो ये दोनों हो गए। अब ये दोनों भी सजातीय हैं आपस में, क्योंकि इसमें x की घात 2 है, इसमें भी है, इसमें y का 1 है, इसमें भी y का घात 1 है, तो ये सजातीय पद आप सभी लोग सीख गए ना।
सभी सीख गए ना? कौन बदतमीजी कर रहा भाई? हाँ, कोई गड़बड़ कर रहा है का बताना, अगर कोई करेगा गड़बड़ तो सब लोग एक साथ में कमेंट करना, उसे एकदम से ब्लॉक कर देंगे हम। बेटा यशराज सिंह पढ़ लो। हाँ अमन सिंह ने महिमा सर फोन हमारे भाई का पढ़ रहे हैं हम, तो तुमको बताने की कौन सी जरूरत है दादी? हाँ तुम पढ़ो या ना पढ़ो, कोई पढ़े, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना बहुत अच्छा सा परिचय देते हैं, सर फोन मेरी दीदी का है पढ़ रहा हूँ मैं। अब ये बता रही कि सर फोन तो मेरे भैया का है पढ़ रही हूँ मैं। अरे तुम पढ़ रही हो कि तुम्हारा भैया पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है, तुम काहे कमेंट कर रही हो? ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। चलो तो ये आप लोग इसमें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स समझ गए, सजातीय और विजातीय पद समझ गए। तो बच्चा अब मैं सोच रहा था कि आपका ये क्लियर हो जाए बेस, इसलिए मैंने आज चैप्टर नहीं शुरू करा। ये 2.1 का जो है ना बेसिक है एकदम, मतलब उस पर आधारित, जिससे तुम्हें जब चैप्टर कराया जाए तो कोई समस्या ना आए, कोई नई आफत ना आके पकड़े, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? अब इसमें मैं थोड़ी सी और कुछ आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे समझो। दीपक बच्चा मजा आ रहा है, इनका पूरा नाम है दीपक सोंधिया भाई, ये मुझे लग रहा है बाहर के हैं, कहीं यूपी बिहार के तो नहीं है, नहीं तो यूपी बिहार वालों में हमारे जानते हो कि नाम कैसे कैसे होते हैं, सीधे साधे भगवान के नाम पे होते हैं। हाँ राम लखन, श्याम करण, हनुमान दीन, गया प्रसाद, ऐसे ऐसे नाम होते हैं हमारे यूपी बिहार में, अक्सर पहले होते थे, अब तो नए नए होने लगे हैं जमाने के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ें। हाँ क्या हो रहा था आगे? ठीक है चलो, तो हम पढ़ रहे थे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो बच्चा अब मुझे ये बताओ कि 3x + x + 2 और +x² और +3, अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा? देखो आज मैं एक्सरसाइज नहीं शुरू करूँगा, आज मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? रोहित सिंह तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, तुम्हें ना हम बहुत पीछे कर देंगे गिर्रा के, जान लो। तुम्हारा कमेंट ना मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। चलो देखो आगे, तो बच्चा इसको क्या करना है, इसे हमें छोटा करना है हल वल करके, जो भी हल हो इसमें। तो आप इसमें देखो, पकड़ो इनको, 3x है और ये क्या है, x है, ये दोनों सजातीय पद हैं, इन दोनों की आपस में क्या होगी, समझ गए ना कि नहीं? कुछ समझे? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब शादी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म्स हैं, मैथमेटिक्सल क्या है, वर्ड हैं, समझ रहे हो ना? नहीं तो जो और भी बच्चे होते हैं कुछ, उनको समझा देते तो समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, जो समान समान चर होते हैं उनको आप मान लो पानी और चीनी, नहीं नमक मान लो, आसान रहेगा, पानी और पिसा हुआ नमक। आप ये बताओ अगर पानी में नमक डालोगे घुल जाता है ना, तुम्हें दिखता तो नहीं ना कि हाथ डाल के फिर से नमक निकाल लो बाहर? हाँ कभी कभी खाना बनता है देखो, दाल वगैरह में अगर नमक ज़्यादा हो गया तो ऐसा नहीं होता ना कि दो नमक तुम बाहर निकाल लिए, नमक बराबर हो गया, क्योंकि उसमें वो घुल जाता है, दिखता नहीं ना। तो बच्चा जो सजातीय पद होते हैं वो आपस में घुल जाते हैं, मतलब एक नया पद बना लेते हैं, आप समझ रहे हो ना? जैसे पानी में अगर चीनी घोलो तो क्या बनता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताओ? हमारे यहाँ तो भाई शरबत बोलते हैं देसी भाषा में, अगर पानी में चीनी घोलो तब। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले तुम बताओ। तो अगर चीनी पानी घोलते हैं तो क्या बनता है, एक नया पद शरबत बनता है ना, बनता है ना, पीने योग्य एक पीय पदार्थ बनता है। लेकिन अगर तुमसे हम बोलें कि बच्चा चीनी में तुम कंकड़ पत्थर घोल दो, अरे सड़क वाली गिट्टी ला के डाल दो एक मुठा, तो क्या गलेगी वो, बताओ कुछ बनेगा? नहीं ना। अगर एक बाल्टी पानी में तुम एक मुठा या 5 किलो ला के गिट्टी डाल दिए उसी में पत्थर, तो वो गलेगा नहीं ना, तुम उस एक एक पत्थर को फिर से सबको अलग कर सकते हो। तो उसी तरह ये विजातीय पद होते हैं, पानी और पत्थर की तरह होते हैं, वो आपस में मिलते नहीं हैं, उनमें बीच में उचित दूरी बनी रहती है, कभी पास नहीं आते, समझ रहे हो? चलो देखो यहाँ पे समझो, तो ये दोनों कहाँ हैं भैया, ये चीनी और पानी है, इनको मिला के शरबत बनेगा, हाँ रस बनेगा मतलब। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे 3 और ये 1। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया था बच्चा, देखो जैसे ये 3x है और ये x है ना, तो जुड़ता है तब इनका गुणांक, गुणांक जुड़ता है, क्या जुड़ता है भैया,
गुणांक गुणांक जुड़ता है हमेशा, कोफिशियंट आपस में जुड़ता है और इन पद से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे इसमें देखो, अगर तुम इसका गुणांक कितना है कोई बताए कितना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका गुणांक हमेशा वन माना जाता है और इसका गुणांक क्या है, तीन है, तो तीन में एक जोड़ोगे फाइनल में क्या होगा, चार होगा। समझ में आया, क्या होगा, चार होगा। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ेंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएंगे, चार एक्स। हाँ, जो भी पद साथ में लगा रहेगा उसे लगाना नहीं भूलना, वो ऐसे लग जाएगा। ये हो गया, हाँ सबको समझ में आया। उसके बाद अब प्लस टू, आप देखो ये दो क्या है, एक अचर पद है ना, एक कंस्टेंट है ना, इसमें और भी कोई अचर पद है, हाँ ये चच्चा देखो बगल है ना एक, तीन, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, पाँच। अब इनका कोई साथी है नहीं तो ये कहाँ जुड़ेंगे, ये ऐसे मुँह जुड़वाए ऐसे बैठे रहेंगे। ये हो गया आपका क्या आंसर। लेकिन अगर इसे सरल करना था, कहीं आपको इस तरह से मिला था, तो बच्चा इसे ऐसे छोड़ोगे नहीं तुम। ये कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने के पहले मैं उन्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, याद रखना जो भी बच्चे नए जुड़े हैं। क्लास 9th का NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने के पहले मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जिससे जब चैप्टर कराया जाए तो पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई मुसीबत ना आए, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ आज एक दिन, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कमज़ोर होते हैं इन सभी पार्ट में, उन्हें मालूम है कि वो कितना पढ़े, कोरोना बैच में बिना पढ़े पास हो गए हैं, उनके भगवान ही मालिक हैं, योगी बाबा तो मान लो चले जाएंगे एक आध दो साल बाद, तो उनकी तो क्या होगी मालूम नहीं है बच्चों की। हाँ अभी फिर आएंगे इलाहाबाद में, बाद में तैयारी करने आएंगे तो 2 का पावर 5 उनका मालूम है नहीं क्या होगा, तो क्या करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सिखा दूँ, जिससे थोड़ी सी बाद के लिए मुसीबत कम हो जाए। हाँ चलो राज वर्मा बेटा, तुम तो जाने वाले हो। अब इसमें जब आंसर लिखते हैं फाइनल, तो सबसे बड़ी घात पहले लिख देते हैं, फिर उससे छोटी घात लिखते हैं, फिर उससे छोटी। ये अब तो फाइनल में आंसर हो गया, अगर इसको सरल करना होता तो इस तरह से, ठीक है। सबको समझ में आया ना भाई, 200 पार कर दो जल्दी से फटाफट यार, जल्दी से लाइक करो फटाफट, देर ना करो, सभी फटाफट लाइक कर दो जल्दी से, क्लास 200 पार हो जाए जल्दी। चलो तो बच्चा एक और बता दो मुझे आप लोग जोड़ करके, क्या इसे जोड़ सकते हो आप, जल्दी बताओ। 3x का स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 1 और प्लस x का स्क्वायर और प्लस इसमें क्या है बच्चा x, क्या इनको आप सरल कर सकते हो, जल्दी बोलो क्या इनको सरल कर सकते हो। हाँ समीक्षा कुमारी भाई, देखो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, जान लो, हाँ बातचीत ना करो। चलो इसको सरल कर सकता है कोई, एनीवन इसमें से बता दे जल्दी से, अगर कोई कर सकता है तो। मनु राजपूत कितना आएगा, अरे इनमें तो बड़ा पानी है यार, मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा, कितना आएगा जरा बताओ, सोचो और बताओ। एनीवन, सरोज, विजय शंकर, राजकुमार तिवारी, ठीक है एनीवन, और कोई भाई। नीचे मैंने एक इक्वेशन दिया है, इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सरल करके इसे आसान भाषा में प्रस्तुत करना है। देखो बच्चा, अगर तुम इसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जब मैं चैप्टर कराऊंगा 2.1 तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें सीधा ब्लॉक करूंगा, अगर तुम बोले कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर तुम बोले कि मुझे नहीं आ रहा गुरुजी, तो मैं तुम्हें तुरंत ब्लॉक करूंगा, क्योंकि मैं पूरी एक क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन तुम सीखने वाले नहीं हो बेटा। चलो 3x का स्क्वायर है, ये भैया जुड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये 9x है, ये सजातीय है नहीं, ये बेटा जुड़ेंगे, इनके गुणांक 1 है, इनके 3 है, तो मैं यहाँ पे हल करूँगा ऊपर, फाइनल में 4x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये 9x का पावर 1 है ना, और ये क्या है x है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये दोनों जुड़ के 10x हो जाएंगे, और ये बच्चा झुर रहे हैं, अकेले हैं 1, इनका कोई साथी नहीं आगे पीछे, तो ये अकेले बैठे रहेंगे। वैसे जैसे किसी स्कूल कॉलेज में आप देखो कोई ऐसा लड़का या लड़की हो जो बहुत ही अकेला बैठा रहे, शांत, हमारे जैसे, जैसे हम बैठे रहते थे, कोई आगे पीछे नहीं रहता, वैसे ही, तो वैसे ये भी है, इसके कोई आगे पीछे नहीं है, समझ गए ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो आप लोगों ने 200 प्लस कर दिया, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, ये सरल भाषा में मतलब इस प्रकार से कहें तो इसका सरलीकरण हो गया, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर दिए, या फिर इसे हम हल कर दिए जहाँ तक ये हो सकता था। ये तो फिलहाल अब तुम सीख गए हो छोटा मोटा, अब गुणा की बात करते हैं। देखो कोई जाना नहीं, अगर गणित सीखना है तो जाना नहीं, नहीं सीखना है तो फिर दोबारा आना नहीं। हाँ ये भी बता रहे हैं, यहाँ पे कोई तमाशा तो दिखाते नहीं हम, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। देखो समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं, अब कुछ लोग कह रहे होंगे 3-3 काहे लिख रहा बार बार, ये मेरी खोपड़ी में आके बिना मतलब को बैठ गया, चल निकल। चलो 5x का घात 2
और इसमें 3 और ये यक्स का हाल 5। बच्चा अगर इनका दोनों का गुणा करा जाए तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, अगर इन दोनों का हम मल्टीपल करें तो क्या होगा, चलो जल्दी बताओ। देखो ये क्लास उनके लिए भी है जो बेसिक सीखना चाहते हैं, जो बेसिक गणित पढ़ना चाहते हैं बेटा उनके लिए भी है। और एक बात और समझ लो, जो भी साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं भाई सब्सक्राइब तुरंत कर लो, जिससे आप कमेंट कर पाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, कोई पेमेंट नहीं लगेगा, तुरंत सब्सक्राइब करो, आप भी कमेंट करो। हाँ जैसे देखो निपेंद्र कर रहे हैं, दिव्या दावत कर रही हैं, तरुषना कर रहे हैं, लालिमा, पवन, हाँ राज, विशाल सिंह बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आदिति गुप्ता। देखो कुछ बच्चों ने इसके आंसर भी बताए हैं, कुछ लोग तभी इसे देख रहे हैं, दांत निकाल के मारेंगे ना अंदर घुस जाएगा जान, कोशिश तो करोगे नहीं एक को। हाँ भाई अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो तुम एक बार उसे कोशिश तो करो कम से कम, तब हम बताएं भी, सोचें भी कि हाँ बताएं, लेकिन तुम एक को कोशिश नहीं करोगे अपनी तरफ से तो बताओ कैसे होगा फिर, नैया पार कैसे होगी, हाँ कैसे पार होगी। देखो मैं बता रहा हूँ, चलो बेटा जब गुणा करते हैं तो गुणा करने में जो अचर पद होते हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, यक्ष का घात 2 और यक्ष का घात 5, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो फाइनल में ये 15x की घात 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15x की घात 7 हो जाएगा। सबको समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ इसमें ये किसको नहीं समझ में आया, जिसको ना समझ में आया जल्दी से बोले नो, क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको नहीं समझ में आया? हाँ कमलेश राम बेटा तुम पढ़ाई कर लो तो अच्छा है, हाँ कौन किस राज्य से जुड़ा है वो तुम बाद में इंक्वायरी करना। चलो हरीश कुमार कमेंट अभी कहाँ फास्ट जा रहा है, अभी तो मैं 15 सेकंड का रोक लगाया हूँ, अभी मैं रोक हटा दूँ देखो बाढ़ आ जाए यहाँ कमेंट की। सबको समझ में आ गया ना मुझे लग रहा है। चलो बच्चा एक और बताओ, एक और बताओ, तुम ये कॉन्सेप्ट सीख लो तुम्हारे काम का है। चलो 2y और नीचे 3x, अच्छा यही बता दो कितना आएगा फाइनल में, बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा इक्वेशन है, कितना आएगा भाई? अनीस मीना कवि और रोहित विशाल चांदनी मनु राजपूत एक्सप्लोर अर्थ अमित सिंह बबुआना उज्ज्वला। चलो ठीक है बच्चा देखो समझो, बहुत ही सिंपल है ये, वेरी सिंपल सा है, आप इसे कर सकते हो, इसमें कोई मुसीबत की बात नहीं है बेटा। चलो ठीक है तो इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ तुम्हें, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा चूंकि ऊपर है, और ये 1x से 1x क्या होगी, घातें कम हो जाएंगी। मैं आपको अगर समझाऊँ वैसे हल्के में तो फाइनल में 2xy आएगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करूँ तो ये यक्स का घात 2 है ना बच्चा, तो यक्स की घात 2 अपान यक्स का मतलब ये होता है, यहाँ से समझ लो साइड में, ये तो आंसर आ गया तुम्हारा, इसका मतलब ये होता है कि यक्स इंटू यक्स नीचे यक्स, भाई घात 2 का मतलब 2 बार शामिल है, यक्स से यक्स कट गया तो फाइनल में 1x बचता है, और ये यक्स क्या होगा 2y में गुणा होगा, तो फाइनल में 2x का y आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा ना सबको? तो बच्चों आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं करेंगे, ख़त्म करेंगे, आज कुछ काम भी है, और हाँ सुबह 7 बजे आप लोग साइंस ज़रूर पढ़ना, कल आपका जो पहला चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा, आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को साइंस का। ठीक है और जाना नहीं कोई, अभी एक बात सुन लो, जो बच्चे क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं वो क्या करें, जो बच्चे क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं बेटा वो PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी क्लास की लिंक भेजी जाती है, आप प्यार से घर बैठे पढ़ सकते हो, चाहे जब पढ़ो अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो। ठीक है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में व्हाट्सएप उस पर वीडियो देख लो, यूट्यूब पे टेलीग्राम क्या है वहाँ पे कोई बता देगा, सब सीख जाओगे, और जब इस पे चैनल बन जाएगा तो सर्च करना PBR स्टडी। ठीक है इसमें 1700 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं कक्षा 9 के, आप भी ज्वाइन कर लेना, जैसे ज्वाइन करोगे बच्चा टेलीग्राम पे PBR स्टडी वैसे तुम्हें जितनी इसकी पीछे की क्लास हुई है सारी क्लास तुरंत मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें भेजी गई है, जो कंपटीशन की क्लासें हैं बेसिक हैं जो भी है सारा स्टडी मटेरियल इस चैनल में भेजा गया है। टेलीग्राम चैनल वैसे होता है जैसे यूट्यूब चैनल है, आप समझ रहे हो ना,
उसमें जो जो भेज दिया वो तुम्हें चाहे जब जाओगे मिल जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाना, उस पर PVR स्टडी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारी सभी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए आप PVR स्टडी को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, ठीक है, समझ रहे हो ना। इंस्टाग्राम सभी चलाते हो ना बच्चा, तो इंस्टाग्राम पर PVR स्टडी को फॉलो करना, और फेसबुक ट्विटर जो जो चलाते हो हर जगह फॉलो करते रहोगे तो वहाँ पे हम सारी अपडेट आपको देते हैं कि देखो मंडे को क्लास नहीं चलेगी, संडे को आपका टेस्ट होगा, फलाने डे को आपको ये चीज़ मिलने वाला है, एक नई बैच आ रही है, एक नया क्लास आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे यहाँ कुल देते रहते हैं। बाकी यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि कोई मन में बात आई कि हाँ भाई नई बैच होने वाली है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ, नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। तो सारी प्रकार की हमसे जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें हर जगह फॉलो करें और बने रहें और घर बैठे पढ़ें, बिल्कुल फ्री पढ़ें, एक फूटी कौड़ी नहीं देना तुम्हें। मोबाइल में इंटरनेट वैसे रिचार्ज कराते हो, फालतू का चीज़ देखते हो, पढ़ाई लिखाई कर लो, देश आगे बढ़ेगा, हाँ, समझ रहे हो ना। तो आप लोग मेरी बातों को समझ चुके हो अगर, तो फिर मैं रखूँ, समझ गए ना बच्चा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बाबू जितने भी बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन जरूर ऑन करना, घंटी की बटन जानते हो ना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, जिससे कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आए। सुबह 7 बजे साइंस कौन कौन पढ़ेगा बता के जाओ, सुबह 7 बजे साइंस पढ़ोगे ना, बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा, कल से पहला चैप्टर शुरू होगा, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास पेड़ पौधे जंगली जानवर, हाँ, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, यही सब पढ़ाएंगे कल, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या चीज़ हम देखते हैं, नदी पहाड़ पेड़, है ना। तो कल सुबह 7 बजे आप लोग साइंस पढ़ना। ब्रजेश दुबे जी, सपना मीना, कमेंट आ रहा है आपका, धोनी गुप्ता, अदिति गुप्ता, राजकुमार, डॉक्टर बंस, रूपेश, नरेश, राजभर, रेनू, शैलेश, राज वर्मा, चलो ठीक है। हाँ, रात के 9 बजे से भी क्लास आएगी, हाँ रात 9 बजे से देखो, कभी कभी वीडियो आता है, आज भी वीडियो ही आएगा क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, रात के 9 बजे भी आप लोग लाइव देख सकते हो जिनको बेसिक नहीं आता है, रात के 9 बजे याद रखना, मैथमेटिक्स जिनको सीखना है, रात 9 बजे एक वीडियो आएगा या एक लाइव आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आता रहता है। जब मैं खाली रहता हूँ तो लाइव आता है, मैं बिजी रहता हूँ तो रात 9 बजे वीडियो आता है, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर रात 9 बजे से बेसिक।